मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम प्रीति है। वो और उसके हस्बैंड मेरे घर के पास ही एक अपार्टमेंट है, वहाँ रहते थे। मैं अक्सर उनके घर आती जाती रहती थी। सिर्फ वो दोनों ही वहाँ रहते थे, पर जब मैं उनके घर जाती थी तो मुझे वहाँ एक लड़का दिखता था। वो कुछ नहीं बोलता था, वो सिर्फ हंसते हुए देखता ही रहता था। मैंने सोचा वो उसका कोई फ्रेंड होगा, और एक दिन मैंने पूछ ही लिया, जो लड़का तुम्हारे घर आता है वो कौन है? उसने बताया कि मेरे अलावा उनसे मिलने कोई नहीं आता। मैं हैरान थी कि मैंने उस लड़के को देखा है। मैंने उसका हुलिया बताया, पर उसने तो पहचानने से ही इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद मैं उसके घर वापस गई। मैंने देखा जैसे ही प्रीति किचन में गई, वो उनके रूम में हंसते हुए चला गया। मैं बाप के किचन में गई और उसे बताया तो हंसने लगी। उसने कहा कि हम दोनों के अलावा घर पे कोई नहीं है। मैं उसे रूम में ले गई। हमने देखा वहाँ कोई नहीं है। इस घटना के बाद मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया। हम सिर्फ फ़ोन पर ही बात करते थे। कुछ दिनों बाद उसे भी लगने लगा कि उसे कोई देखता रहता है। ऐसा लगता है कि वो उस घर में अकेली नहीं है, कोई है उसके साथ। एक दिन रात को 2 बजे प्रीति का फोन आया। यार तो सही बोल रही थी, यहाँ कोई है जो मुझे भी दिखता है। वो हंसता रहता है, डराता है मुझे। ऐसा लगता है जैसे मुझे मार ही देगा। यार मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं नहीं मरना चाहती। मुझे बहुत डर लगता है यहाँ, मुझे बचा ले। मैंने प्रीति को बहुत बार फ़ोन किया पर उसने नहीं उठाया। कुछ देर बाद उसका फ़ोन आया।